नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टर्न स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं रीना। बागवानी एक ऐसा शौक है जो आपकी सेहत पर सकारात्मक असर डाल सकता है। इससे आपके घर की खूबसूरती में चार चांद भी लगते हैं, परंतु जाने अनजाने कुछ पेड़ पौधे घर के आंगन में लगा लेने से ये आपके दुर्भाग्य को भी निमंत्रण दे सकते हैं। इन पेड़ पौधों को घर के आंगन में लगाने से क्या हो सकता है, आइए इस बारे में जानते हैं। आप भी अपने घर में इन पेड़ पौधों को हटा दें या लगाने का मन बना रहे हैं तो ना ही लगाएं। जानते हैं कौन से हैं पौधे। सबसे पहले है मदार का पौधा। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में मदार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। मदार के पौधे से दूध निकलता है जिससे परिजनों के बीच नकारात्मकता बढ़ जाती है, घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और बिना किसी कारण अनबन होने लगती है। इसके बाद है पीपल का पेड़। वास्तु के अनुसार जो व्यक्ति अपने घर में पीपल का पेड़ लगाता है उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो पीपल का पेड़ बहुत शुभ माना जाता है और इसकी पूजा होती है, लेकिन इसे घर में नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद है इमली का पेड़। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के घर में इमली का पेड़ लगा होता है वहाँ बीमारियाँ पनपती हैं और परिवारजनों के बीच में हमेशा अनबन बनी रहती है। इमली के पेड़ से घर का माहौल तनावपूर्ण बना रहता है। इसके बाद कांटेदार पेड़ पौधे। जिस घर में कांटेदार पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ हमेशा नकारात्मकता फैली होती है और वहाँ के लोगों को अपने जीवन में हर तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।